अरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अमित कंडवाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरी डायरीज। तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे समुद्र के किनारे एक बहुत ही सुंदर सी ट्रेल, और उसके बाद आपको दिखाएंगे एक वाटरफॉल और कुछ प्रकृति की सुंदर रचनाएं, और वीडियो को समाप्त करेंगे सैंड बाथ के साथ। तो चलो चलते हैं। ये जो आइलैंड है सफरेजिमा, वहाँ पर की ये बहुत स्पेशल ड्रिंक है। ये बनी है आलू से और इसको कहते हैं सोचू, पोटैटो सेचू। सोचू जो है वो जापनीज ड्रिंक होती है, अल्कोहल होती है। तो ये बनी है आलू से और बहुत फेमस है यहाँ की। और ये लिमिटेड स्टॉक है। हाँ, हर जगह नहीं मिलती। और ये है यहाँ का संतरा, जिसको कहते हैं जापनीज में मिकान। और ये इतने इसी साइज़ का होता है यहाँ पे, और कहते हैं बहुत टेस्टी है। और और इसको ये मतलब, वालकानो वाली राख में। हाँ, क्योंकि पहाड़ पूरा वोल्केनो का है, तो उसकी जो राख है, इस वजह से इसका टेस्ट जो है बाकी जगहों के संतरों से बहुत अलग है। तो खा के देखते हैं कैसा है। खुशबू तो इंडिया जैसी है। हाँ, खुशबू इंडिया जैसी, क्योंकि यहाँ पर जो है संतरों में उतनी अच्छी खुशबू नहीं आती, जैसे इतनी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली खुशबू नहीं आती जैसे कि इंडिया में आती है, बट इसकी वैसी ही है। कैसा था टेस्ट था संतरों का? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। इस जगह का नाम है योगान नगीसा ट्रेल। योगान मतलब होता है जापानीज में लावा, तो लावा ट्रेल बोलेंगे इसको। ये सारे के सारे जो पत्थर हैं, ये सारे वही हैं ज्वालामुखी के पत्थर हैं, इसीलिए इतने काले भी हो रखे हैं। इन्होंने वुडन ट्रेल बना रखी है यहाँ पे, तो ये पूरा जो सी साइट है इसमें घूमो। और इस जो ये समुद्र है यहाँ पे, यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप लकी हुए तो आपको डॉल्फिन दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डॉल्फिन आती हैं। सोचता उनका कोई फेवरेट खाना मिलता हो यहाँ पे। बाकी ये यह है यहाँ पे ओनसेन वाटर, ये गर्म पानी होता है जो वॉल्केनो वाटर होता है वो, और इसमें पैर डाल के बैठ जाओ। वोल्केनो के पानी में थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स देते हैं, काफी देर से चल रहे हैं। अरे हाय बोल दे। सीनरी वगैरह के लिए बहुत सुंदर है ये जगह। ये पूरी इन्होंने ट्रेल बना रखी है, जैसे अभी जा रहे हैं इसमें हम। हाँ, ऊंचाई में लगता है पानी मिल सकता है, जाके देखते हैं। बोलो जय माता दी। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया, आप बह रहे हो। वहाँ ऊंचाई में एक हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है, लगता है वो हमें बेस तक पहुंचा सकता है। चलो चलते हैं। ये दिखिए, हमें अभी डॉल्फिन की बात कर रहा था ना, जो लकी होगा उसको डॉल्फिन नजर आ जाएगी। ये आ गई डॉल्फिन नजर। ये कोई पालतू डॉल्फिन नहीं है, ये समुद्र में आती है ये डॉल्फिन। वाह, ये बहुत सही हो गया। ओ उरी उरी उरी। जैसा वहां पे लिखा था ना, एग्जैक्ट वो ही हुआ। पता है कि अगर आप लकी हुए तो आपको बहुत सारी डॉल्फिन देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर बहुत सारी आती हैं। ये जो ट्रेल है वैसे ये 25 किलोमीटर की है, बट हमारे पे तो इतना टाइम है नहीं कि हम 25 किलोमीटर चलें, तो बस हम ये आगे से थोड़ा सा घूम के फिर वापस चल जाएंगे। इतने में बहुत सुंदर ट्रेल है,
मन कर रहा बस चलते जाओ यहाँ पे। यहाँ से अब वापस यहाँ पर पैर डालते हैं ना पानी में, वहाँ पर चलना है आगे वापस। चलो वापस चलते हैं। सब के सब थक हार के आ गए हैं और ये पानी इन्होंने गर्म पानी में पैर डाल के बैठे हैं। ये पहुँच गए हम फोर्ट पे, यहाँ से अब फेरी लेनी है। तो ये कागोशिमा से ये सकुराशिमा जो है यहाँ पर दो टाइप की फेरी चलती है। एक तो चलती है जो कि आपको पूरा का पूरा साइट सीन दिखाती है, वो होती है टोटल 1 घंटे की। तो वो पूरा घुमा के ये जो वॉल्केनो है उसके चारों तरफ से घुमा के आपको कागोशिमा से सकुराशिमा छोड़ देगी। दूसरी होती है जो कि कागोशिमा पोर्ट से सकुराशिमा पोर्ट पे आपको छोड़ेगी, वो लेती है 15 मिनट का टाइम। इस फेरी का ये चीज़ सही है कि ये 24 घंटे अवेलेबल है। तो अगर आप सकुराशिमा में हो और अगर आपको कागोशिमा में जाना है तो दिन के कोई सा भी टाइम, जब रात हो कभी भी हो, फेरी अवेलेबल होगी। बाकी हमारे पे तो वनडे का पास है पूरा, जिसमें कि बस होगी, ट्रैम होगी और फेरी हो गई, ये सब कवर है। लेकिन अगर आपको सिर्फ फेरी का करना है तो मुझे 1 घंटे का है उसका लगता है 600 येन, और एक साइड से दूसरी साइड में आने के लिए जो 15 मिनट की फेरी है उसके लगते हैं 300 येन। तो ये चल पड़ी है हमारी फेरी। तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस, ऑनेस्ट रिव्यू? डरा क्यों रहे हो यार? तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? आप देख रहे हैं अमित कांडवाल की डायरीज, कैमरामैन नेहा कपूर के साथ। देखते रहिए, बने रहिए। कैसा था वैसे ट्रिप, कैसा था? ठीक था, मतलब आ सकते हैं वंस। हाँ तो हम वंस नहीं आए हैं, ट्वाइस नहीं आ रहे हैं हम। ज़्यादा बन रहा है। तो कैसा था आपका रिव्यू नहीं, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस था अल्टीमेट ऑसम, बहुत प्यारा था। और जो लास्ट में जब डॉल्फिन देखी, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था इस ट्रिप में। अभी मैंने पीनट्स भी खा लिए सारे, मत जाने लाइफ है। ऑसम की स्पेलिंग बताना है। ऑसम की स्पेलिंग OSM। स्पेलिंग बोला, शॉर्टकट नहीं बोला। तो ये है day 3 हमारा कागोशिमा में, और अब हम जा रहे हैं यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा वाटरफॉल है जिसका नाम है रियूमोन वाटरफॉल। तो ये पर ये है ये अभी हम हैं कागोशिमा चो स्टेशन, ये बहुत मेन स्टेशन है कागोशिमा में। तो यहाँ से पहले ट्रेन लेनी है, उसके बाद फिर बस लेनी है, तब जाके हम पहुँचेंगे रियूमोन वाटरफॉल में। तो वहाँ जाके देखते हैं कि कैसा है ये। और टिकट इसकी ज़्यादा महंगी नहीं है, 620 येन की टिकट है। ये पहुंच गए हम रियूमोन ताकी मतलब वाटरफॉल। अभी थोड़ी सी वॉक है 300 मीटर की, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे अपने स्पॉट पे। कितने पुराने पुराने घर हैं, नहीं? ज़्यादा बुन रही है मकड़ी यहाँ पे। नहीं देखो एकोन, वो जो आइसेज वाला जो खाता है वही है, सारे गिरे नीचे। आइसेज में जो फेमस एकोन है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा डिसास्टर होता है स्विमिंग में। वाओ, ये पहुंच गए हम उस वाटरफॉल में, रियूमोन वाटरफॉल। कितना सुंदर है ये देखो, इसमें लिखा हुआ है कि ये वाटरफॉल, यहाँ पर एक चाइना से एक बंदा आया था, उसने कहा कि ये जो वाटरफॉल है ये चाइना का जो ड्रैगन एक फॉल है, ड्रैगन वाटरफॉल शायद कोई होगा, वो बिल्कुल उस जैसा दिख रहा है ये, वो भी शायद सुंदर होगा। 40 मीटर हाइट, 43 मीटर इसकी जो विड्थ है वो है, काफ़ी ऊँचा है।
वाटरफॉल के थोड़ा और नज़दीक जाके देखते हैं। ये 450 मीटर पे एक ट्रेल है, इस तरीके से है, सीढ़ी नुमा बना रखा है इन्होंने, इस पे जाके देखते हैं कैसा है। थोड़ी सी काई वाई लगी हुई है बस फिसलन नहीं है, मॉस है। आज की युवा पीढ़ी को पुराने टाइम के ये हुआ लोगों क्या से बहुत सीखने की जरूरत है। आज की पीढ़ी को ये हुआ क्या है? अभी हम खड़े थे यहाँ पे, अभी हम ऊपर आ गए हैं 500-700 मीटर ऊपर जाके, यहाँ से इस तरीके से दिखता है, ये पूरी सिटी नज़र आ रही है यहाँ पे। ये पहुँच गया है वो झरने के टॉप पे, और ये पेड़ के पीछे यहाँ पे से नीचे गिर रहा है झरना। ये पहुँच गए हम उसके टॉप पे, हम पहुंच सकते थे हम पहुंच गए वाटरफॉल के। ये डंडा पड़ा है यहाँ पे, लेकिन जब नजदीक जाके देखा तो ये जड़ है पेड़ की, स्ट्रेट एकदम झरने के पास। तो अब हमारा टाइम हो गया वापस जाने का, अरे ठंडे ठंडे पानी का सेवन करते हुए। कैसा पानी है, पी सकते हैं इस पानी को? साफ है एकदम, मेरी बॉटल तो भरनी नहीं है, फुल है। अभी हमें 21 मिनट की वॉक लेके इस जो ये वाइट डॉट है यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ से हमारी बस है 3:11 पे, फिर वहाँ से हमें एक स्टेशन है केजी की, वहाँ से फिर हमें ट्रेन लेके जाना है कागुशिमा चो, और वहाँ से हमारा क्या प्लान है ये हम आपको बाद में बताएंगे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए इस शानदार व्यू को। काफ़ी देर होगी चलते हुए, अब थोड़ी बहुत भूख लग रही है तो यहाँ रुके हैं कुछ खाने के लिए, फैमिली मार्ट कन्वीनियंस स्टोर। ये हम पहुँचे हैं इबुसुकी स्टेशन, और यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल चीज़ होती है, काफ़ी हटके और यूनिक है। हम पहुंच गए उस जगह पे, और यहाँ पर क्या स्पेशल है, यहाँ पर सैंड बाथ होता है, ये वोल्केनिक सैंड होती है, उसमें लोग लेटते हैं और अपने को रिलैक्स करते हैं बॉडी को। तो ऊपर जाके देखते हैं काउंटर, तो इस तरीके से बना रखा है इन्होंने, ये जो सैंड है इसी में बैठाते हैं, ये इन्होंने इसके ऊपर ये जो कपड़ा डाला हुआ है
नीले रंग का, इसके नीचे जो रेत है इसमें फावड़े से गड्ढा करके उसमें बिछा देते हैं। अंदर जो है वो फ़ोटो वोटो अलाउ नहीं है तो इसलिए अंदर की रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। इसके बगल में ये बीच टाइप का है, वैसे एंट्री बंद की हुई है, यहाँ पे बीच में भी धुआं आ रहा है तो रेत गर्म होगी इस वजह से धुआं निकल रहा है उसमें। लिखा हुआ भी इन्होंने डेंजरस, डोंट गेट बर्न। पूरे कपड़े गीले हो गए है ना, पूरे कपड़े गीले हो गए। ये छोटा सा टावल दे रखा था ना सर के ऊपर, छोटा सा टावल लपेटा और उसके बाद रेत के अंदर बैठ जाओ। ये जो ड्रेस है इसे कहते हैं युकाता, ये जैपनीज ड्रेस है, नेहा ने तो फर्स्ट टाइम पहनी है ना। वो किमोनो नहीं बोलते, किमोनो नहीं है, युकाता कहते हैं इसको। बट ये तो कॉटन की है। हाँ कॉटन की, अब बहुत सही है ना फिटिंग की, बड़े लग रहे हैं एकदम हैंडसम में। हमारी अगले दिन की सुबह हो गई और हमने कर दिया होटल से चेकआउट और अब हम जा रहे हैं ओसाका। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, शेयर कर दीजिए और ऐसे जापान के बारे में और भी ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घूमिए फिरिए मौज कीजिए। बाय बाय।